बॉलीवुड की दुनिया चकाचौंध से भरी दुनिया है। यहाँ पर चमकते सितारों की जिंदगियाँ ऐसे चमचमाती है कि उसके पीछे का सच लोगों के सामने आ ही नहीं पाता। तभी तो प्लास्टिक सर्जरी से लेकर महंगे महंगे मेकअप तक, ये सारी चीजें न सिर्फ इनके चेहरे की झुर्रियाँ छुपाती है बल्कि इनकी असली उम्र छुपाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना इनकी पोल पट्टी खोल दी जाए और मेकअप के पीछे छुपे इनके असली रूप को लोगों के सामने लाया जाए। तो भैया हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, एक बार जो हमने इनकी उम्र का असली राज खोलना शुरू किया ना, होश न उड़े तो कह देना। शिल्पा शेट्टी, हमारी पहली अदाकारा को ही देखकर आपका मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा, क्योंकि जितनी खूबसूरत है उतनी फिट और एक्टिव भी है। तभी तो इनकी उम्र 25 से एक दिन भी ज्यादा या कम नहीं लगती। पर भाई साहब अपने अरमानों पर काबू रखिए, शिल्पा शेट्टी केवल दिखती छोटी है, असल में इनका जन्म 8 जून 1975 को हुआ, जिसके मुताबिक आज ये 45 साल की है। यानी कि जिस उम्र में हमारे यहाँ महिलाएं बूढ़ी घोषित कर दी जाती हैं, उसी उम्र में आज की यंग लड़कियों को फुल ऑन टक्कर दे रही है। जॉन अब्राहम, दोस्तों बॉलीवुड के हैंडसम हंक हीरो जॉन इब्राहिम को देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि 17 दिसंबर 1972 को जन्मे ये भाई साहब 47 साल के हैं। अजय देवगन, सीरियस रोल से लेकर कॉमेडी सीन तक हर एक चीज में अपना 100% देने वाले अजय देवगन भी 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और 2 अप्रैल 1969 को जन्मे अजय देवगन आज 52 साल के हैं। अक्षय कुमार, वैसे 50 का आंकड़ा तो हमारे अक्की बाबा यानी अक्षय कुमार भी पार कर चुके हैं। तभी तो 9 सितंबर 1967 को जन्मे अक्षय कुमार आज 53 साल के हैं, पर मजाल है कोई कह दे कि इतने उम्र दराज हैं। संजय दत्त, बॉलीवुड में संजय दत्त का अपना अलग ही स्वैग है। तभी तो 29 जुलाई 1959 में जन्मे संजय दत्त आज भले ही 61 साल के हों, लेकिन इनके हिट फिल्मों की गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सनी देओल, वैसे हमारा 2.5 किलो का हाथ वाले सनी देओल को भी कुछ कम कमाल के नहीं है। जहाँ 19 अक्टूबर 1956 को जन्मे सनी देओल आज 64 साल के हैं, लेकिन इस उम्र में इनका क्रेज कम नहीं हुआ। जो आज भले ही बड़े पर्दे से दूर रहते हों, लेकिन जब कभी भी एंट्री मारते हैं तब अपना भौकाल जमा कर ही बैठते हैं। बॉबी देओल, बड़े भाई की बात तो कर ली, आइए लगे हाथ छोटे भाई की बात कर लेते हैं, जिनका करियर जिगजैग पजल से कम नहीं था, पर फिर भी 27 जनवरी 1969 को जन्मे बॉबी देओल ने कैसे भी करके अपनी नैया बचा ली। पर हाँ, ये तो कहना पड़ेगा कि 52 साल की उम्र में भी ये काफी फिट और एक्टिव लगते हैं। जैकी श्रॉफ, दोस्तों आइए अब बात करते हैं अपने एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले जैकी श्रॉफ के बारे में, जिनकी उम्र इस समय 64 साल की है और इनका डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 1957 है। आपको बता दें आजकल ठीक इनकी तरह ही इनके सुपुत्र टाइगर श्रॉफ भी बॉलीवुड में तहलका मचा रहे हैं। अमिताभ बच्चन, बिग बी के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन को भला कौन नहीं जानता होगा। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ बच्चन आज 78 साल के हैं, लेकिन मजाल है कोई इन्हें 50 से ऊपर का कह दे। आलिया भट्ट, अब इनसे मिलिए, ये है आलिया भट्ट, जिनका चेहरा ही जितना क्यूट है इनकी एक्टिंग उतनी धमाकेदार है। अब भले इनके पिता के कारनामे दुनिया भर में बदनाम हो, लेकिन लड़की इनकी बिल्कुल टॉप के एक्ट्रेस है, जिसने छोटी सी उम्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मचा कर रख दिया और सुना है आने वाले समय में कपूर खानदान की बहू रानी बनने वाली है, जहाँ इनकी पूरी फ्यूचर प्लानिंग मात्र 28 साल की उम्र में हो गई है। जी हाँ, आलिया का जन्म 15 मार्च 1993 को हुआ, जिस हिसाब से ये इस समय 28 साल की है। रणबीर कपूर, अब आलिया दीदी की बात हो ही गई है तो रणबीर भैया का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ये दिल फेंक आशिक दिल के मामले में चाहे कितना भी गच्चा खा जाए, लेकिन एक्टिंग तो एकदम माशाल्लाह करते हैं। और 28 सितंबर 1982 में जन्मे ये जनाब आज 38 साल के हैं, लेकिन इन्हें देखकर लगता नहीं कि आलिया भट्ट से इतने बड़े हैं। कैटरीना कैफ, अब दोस्तों कैटरीना कैफ के चाहने वालों की तो कोई कमी नहीं है, आधे से ज्यादा देश तो इनके पीछे जान तक लुटाने को तैयार है, लेकिन 16 जुलाई 1983 को जन्मी कैटरीना कैफ 37 साल की हो चुकी है और अभी तक इन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जिसके ऊपर ये जान लुटा सके। आमिर खान, हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट भले ही साल भर में एक पिक्चर करें, लेकिन बॉलीवुड के सारे आंकड़े तोड़ कर रख देते हैं। पर जब बात इनकी उम्र की आती है तो 14 मार्च 1965 को जन्मे आमिर आज 56 साल के हो गए हैं, पर सच में इनकी उम्र 30-35 से बिल्कुल ज्यादा नहीं लगती। दोस्तों आमिर खान से याद आया, आपको कौन से खान की एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगती है,
आमिर, शाहरुख या फिर सलमान खान, अपना जवाब अपने होस्ट दोस्त सैम को कमेंट करके बता देना। ऋतिक रोशन, अब इनके चेहरे पर तो बॉलीवुड छोड़िए हॉलीवुड तक की हसीनाएं पागल है। अब क्या करें, हमारे ऋतिक रोशन है ही इतने हैंडसम। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऋतिक रोशन 47 साल के होने के बावजूद लड़कियों के बीच बहुत ज्यादा डिमांड में है। शाहिद कपूर, चॉकलेट बॉय के इमेजेस से लेकर मशहूर एक्टर बनने तक का सफर शाहिद कपूर का भले ही लंबा चौड़ा हो, लेकिन एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी, 25 फरवरी 1981 को जन्मे शाहिद कपूर भले ही 40 साल के हों, लेकिन लुक्स और पर्सनालिटी में अच्छे खासे नौजवानों को पीछे छोड़ देते हैं। प्रियंका चोपड़ा, दोस्तों हमारी देसी गर्ल विदेशों में भी अपने एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी है, और वाकई में प्रियंका चोपड़ा ने वो कर दिखाया है जिसे करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, वो भी सिर्फ और सिर्फ 38 साल की उम्र में। जी हाँ, 18 जुलाई 1982 में जन्मी, भले ही 38 साल की हैं, लेकिन ना ही अपने लुक्स से इतनी अधिक उम्र की लगती हैं, और ये अपने काम में ये जो जोश दिखाती हैं वो किसी छोटे बच्चे से कम नहीं है। करीना कपूर, कपूर खानदान की लाडली बिटिया और नवाब खानदान की बहू के साथ साथ हमारी करीना कपूर अब 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी है। अब भले ही इनका वजन थोड़ा बढ़ चुका हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी उम्र बड़ी ही दिखाई देगी। ये बॉलीवुड की उन हसीनाओं में से एक है जिन्होंने बहुत कम उम्र में काफी कुछ हासिल कर लिया। तभी तो 21 सितंबर 1980 में जन्मी करीना आज 40 साल की है, पर आज भी लोग इनकी एक्टिंग के कायल हैं। सैफ अली खान, अब आते हैं नवाब साहब पर, जिनकी उम्र सुनने के बाद आपको झटका ना लगे तो कहिएगा, क्योंकि ये वाकई में काफी कम उम्र के लगते हैं, और इनकी एक्टिंग भी लोगों को हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पर आपको बता दे, 16 अगस्त 1970 को जन्मे सैफ अली खान इस समय 50 साल के हो चुके हैं, और कुछ ही महीनों में 50 का आंकड़ा पार करते हुए 51 के हो जाएंगे। दीपिका पादुकोण, वैसे जब एक्टिंग की बात हो और दीपिका पादुकोण का नाम ना आए तो भाई साहब हो ही नहीं सकता। मतलब आज के टाइम पर अगर सबसे बेस्ट एक्ट्रेस किसी को कहा जाएगा तो हमें नहीं लगता कि दीपिका पादुकोण की जगह कोई और ले सकता है। और अगर खूबसूरती की बात करें तो आज ये 35 साल की होने के बावजूद भी नई नवेली दुल्हन लगती है, लेकिन शायद ही कोई ये कह सकता है कि इतनी अधिक उम्र की है। रणवीर सिंह, बेगम साहिबा के बारे में तो बात हो गई, लेकिन दीपिका के पति भी इनसे कम नहीं हैं। जहाँ इनकी वाइफ बेस्ट एक्ट्रेस हैं, तो वहीं ये जनाब बेस्ट एक्टर हैं, जो हर तरह के रोल में ऐसे फिट हो जाते हैं कि क्या ही बताएं। पर अगर हम इनकी उम्र की बात करें तो ये भी अभी 35 साल के ही हुए हैं। सलमान खान, शादी ना करके जैसे सलमान ने अपनी उम्र को ही रोक दिया, तभी तो इतनी अधिक उम्र होने के बावजूद लड़कियां आज भी इनके प्यार में पागल है। 27 दिसंबर 1965 को जन्मे सलमान खान इस वक्त 55 साल के हो चुके हैं, लेकिन सच में ये इतने अधिक उम्र के नहीं लगते। अब पता नहीं ये कौन सी एक्सरसाइज का कमाल है, या हमारे सल्लू मियां नेचुरली इतने हैंडसम है अपनी उम्र को पछाड़ने में लगे पड़े। शाहरुख खान, अब बारी है हमारे बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की, जिनकी एक्टिंग ने तो मतलब विदेशों में भी लोगों को दीवाना बना रखा है। 2 नवंबर 1965 को जन्मे शाहरुख खान भी सलमान खान की उम्र के ही हैं, यानी इनकी उम्र भी 55 साल की है, और ये भी सलमान खान की तरह 40 के ही लगते हैं। सनी लियोनी, जब हम इतने सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो भाई साहब सनी लियोनी कैसे पीछे छूट सकती है, ये भी तो हमारी बॉलीवुड की अदाकारा है जिनकी खूबसूरती के चर्चों के बारे में आप जानते ही हैं, हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं। लेकिन हाँ, 13 मई 1981 को जन्मी सनी लियोनी की उम्र हम आपको सच बता सकते हैं, क्योंकि इस समय 39 साल की है और अपनी शादीशुदा जिंदगी में बड़े खुश हैं। टाइगर श्रॉफ, आइए दोस्तों चलते चलते आपको उभरते हुए सितारे टाइगर श्रॉफ के बारे में बता दें, जिनकी एक्टिंग तो अच्छी है ही, मुझे नहीं लगता, लेकिन एक्टिंग से अच्छा इनका डांस और स्टंट है जो इन्हें एक खास किस्म का एक्टर बना देता है, और धीरे धीरे बॉलीवुड में अच्छी पहचान भी बना रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे सीख जाएगा लौंडा एक्टिंग। तभी तो 2 मार्च 1990 में जन्मे टाइगर श्रॉफ 31 साल की उम्र में इतना कुछ कर रहे हैं कि आने वाले 4-5 सालों में तो धमाका कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कसर नहीं छोड़ने का।